हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी टाइम हुआ है, देखिए टाइम देख लीजिए आप, क्या देखा? अभी टाइम हुआ है 11:15। और अभी मेरा बेटा जा रहा है आज घूमी घूमी करने। पहली बार ये अकेला ऐसे कहीं घूमने जा रहा है। ये जा रहा है आज ऋषिकेश अपने दोस्तों के साथ। मेरा मन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो घूमने उमने का उनका मन होता है, जाना होता है उनको, तो जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहा धो के तैयार हो सुबह गया जाएंगे, ये। पर अभी किसी घर पे खटा तो होना पड़ेगा ना, फिर सुबह जल्दी अभी ये निकलेगा। अपने दोस्त के घर जाएगा, जिसकी जो गाड़ी लेके जा रहा है जो दोस्त, उसकी गाड़ी में बैठेंगे। तो बैठने के लिए मतलब एक जगह इकट्ठे अभी होके बैठेंगे सबके, जाके। एक जगह इकट्ठे होके बैठेंगे, मैं ऐसे कह रही हूँ। जैसे जो लड़का जाएगा ना गाड़ी लेके, उसके घर सोएंगे ये, क्योंकि सुबह इनको अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो इसलिए ये अभी जा रहा है यहाँ से अपना बैग लेके। और क्या क्या लेके जाता है बैग में दिखाती हूँ। और अब शुरू हो गई है किचन की क्लीनिंग, शुरू हो गई है। जैसे कि पेंट वेंट चला हुआ है, तो हमने सोचा चलो सफाई भी साथ साथ कर ही लेते हैं, क्योंकि रेस्ट करने का तो कोई मतलब है नहीं, बैठे ऐसे ही बस मिट्टी मिट्टी में बैठे रहेंगे, क्या फ़ायदा है। जैसे एक रूम निमट गया है, दूसरे रूम यहाँ हॉल में लगे हुए हैं। किचन भी हो गया है कंप्लीट हमारा, तो इसलिए किचन कंप्लीट हो गया है तो हम उसकी सफाई में लग गए हैं। जैसे डीप क्लीनिंग करनी होती है दिवाली पे, और वैसे भी जब पेंट होता है तो डीप क्लीनिंग करनी ही होती है। अलमारियों के अंदर घुस जाता है कूड़ा करकट बहुत सारा, तो बस उसी में क्लीनिंग में लगे हुए हैं। और ये जो अंदर रखे थे बर्तन, वो सारे निकाल के इनको मैं साफ़ कर रही हूँ। जैसे खैर गंदे तो नहीं है, लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए इनको साफ़ कर कर के, मांज मर कर कर के, और जब रख दूँगी मैं सुखा सुखा के, पोछ पोछ के। ये एक मसालेदानी लेके आई थी मैं, डिब्बे हैं इसमें, ये उसका रैक है, लेकिन ये मुझे नहीं लगी सही इसकी ना, फिर सारे ढक्कन खोल खोल के मसाले डालो, फिर उन पे हाथ रख लग के गंदा हो जाता है, तो पता नहीं क्यों मुझे ये पसंद नहीं आई। इसको मैं अब अंदर रखती हूँ, जैसे एक्स्ट्रा मसाले जो होते हैं ना वो डाल के रख देती हूँ, हाथों में नहीं रखती। और ये है मेरा तेल का डिब्बा, इसको भी मैंने मांज दिया है अच्छे से, विम से मांजना बोलते हैं हम तो, जैसे साफ़ कर दिया है एकदम अच्छे से विम डाल डाल के, क्योंकि बाहर से कितना भी मैं डेली डेली साफ़ कर लूँ हल्की सी चिकट बन जाती है। एक तो सरसों का तेल है, सरसों के तेल में वैसे भी थोड़ी ज़्यादा चिकनाई होती है और चिकट सी बन जाती है उसमें ना, तो वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है, लोहे वाले जूने से भी कर दी थी, और वैसा जो स्कॉच ब्राइट होता है अपना ग्रीन वाला, उससे भी कर दी थी। बहुत अच्छे से साफ़ हो गई वो, एकदम चकाचक सी हो गई थी, हाथ लगाने में भी सही लग रहा था। और ये जो फट्टा आपको दिख रहा है, ये अलमारियों के अंदर जैसे बीच में जो स्लाइड बनी हुई है ना, वो हमारी लूज है, तो उसको निकाल के ऐसे, और माइका लगी हुई है दोनों साइड से, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरी तरह से पानी में मैंने इसको नहीं डुबाया था, लेकिन ये लूज़ है तो इसको अलमारी से बाहर निकाला, और निकाल के इसको खूब अच्छे से विम साबुन से साफ़ कर लिया। विम साबुन से साफ़ करके फिर कपड़े से पोंछ के, और फिर एकदम बढ़िया क्लीन हो गई थी ये। ऐसा करने से मुझे काफ़ी इजी भी लगा, ये वाला तरीका ना काफ़ी इजी लगता है किचन साफ़ करने में। अगर इसको वहीं पे रखे रखे साफ़ करो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है ऊपर करने में साफ़। तो इसको ऐसे ही बाहर निकाल के इसको रगड़ रगड़ के मैंने साफ़ कर दिया था। पहले एक कपड़ा लिया, उसको निचोड़ के इसको पोंछ दिया मोटे मोटे साबुन को, और फिर एक सूखा कपड़ा ले रखा था उससे पोंछ दिया था, और एकदम ऐसी हो गई थी नए जैसी, जैसे आज ही लगाई हो हमने। मैं सोच रही थी वो रैप नहीं आता है चिपकाने वाला, वो लाऊंगी। फिर ये किचन साफ़ आज ही करना था, और किचन को हम फैला हुआ रख नहीं सकते, तो फिर कभी देखती हूँ वो, अगर मैं लाई ना चिपकाने वाला इसके अंदर, क्या बोलूँ, चिपकाने वाला वो पेपर होता है, उसका नाम मुझे नहीं पता, सॉरी अगर आपको पता हो तो मुझे बताना। अलमीरा वगैरह में जो चिपका देते हैं नीचे वाला, एक पार्ट हटा के और फिर चिपका देते हैं ना, वो वाला मैं लाने की सोच रही हूँ अलमारियों के लिए। तो अभी तो बस मैं इसको ऐसे ही साफ़ कर दूंगी विम लगा के, और ये बिल्कुल नए जैसी हो गई है, ये दोबारा गंदी ना होए उसके लिए मैं सोच रही हूँ वो वाला कागज़ लाने की। तो बस ऐसे ही हो गई थी ये क्लीन, देखिए बिल्कुल चमक गई है, वाइट है ये,
हमारे घर में वाइट ही है सारा, वाइट थीम है ये लगा लो हमारे घर में, क्योंकि लाइट कलर ही मुझे। आज यहाँ पे पेंट लगा हुआ है देखिए, एस्तम वैस्तम। और ये देखिए रूम की हालत। और आज हमारा ब्रेकफास्ट देखो कितना चटोरा ब्रेकफास्ट है। देखो हम तीनों माँ बेटी खाएंगे अब, ये गुलिया साहब नहीं खाएंगे, बस हम खाएंगे तीनों, क्योंकि हमारा कुछ भी बनाने का ना तो मूड है और ना हमारी रसोई है कुछ बनाने की। दिखा के आऊं रसोई कैसी हो रखी है देखिए। क्लीनिंग चली हुई है किचन की, सारा सामान बाहर रख रखा है निकाल निकाल के। अभी इस तरह से ऐसे क्यों जाएगा, ऊपर हो जाएगा यहाँ पे साइड में तो गिरेगी। अभी खाने में गया था नहीं होगी, पता है ऊपर रखने के बाद होगी ना। अगर हम स्टूल पे प्लेट को रख लेंगे तो ऐसे ऊपर ही ऊपर खाएंगे और ऐसे होके खाना पड़ेगा। और ये मान नहीं रही मेरी भूख लगी हुई है जोर से, बहुत स्वाद लग रही है प्लेट में रखी हुई है, प्लेट में जाएंगी मुंह में जाएंगी। अभी 9 वाली डाल दी, 9.5 वाली, 5 वाली साइड में कर दी। तू बना पाएगी? बहुत बहुत रखा है किचन में। देखिए कचौड़ी के साथ लस्सी है ना, मस्त लगती है ना कचौड़ी के साथ लस्सी। किस किस को लगती है बताना कमेंट करके। नाश्ता शुरू हो गया था हमारा, क्योंकि किचन ऐस्त व्यस्त हो रखा था तो बनाने का कुछ था ही नहीं जुगाड़ पानी, तो हमने फिर मंगा लिया बाहर से। दिवाली की सफाई होती है डीप क्लीनिंग, तो खाने का तो ऐसा ही ऊपर नीचे रहता है, तो हमने मंगा ली थी कचौड़ी। और गुलिया साहब ने कचौड़ी खाई नहीं थी, उनके लिए हमने रोटियां बना दी थी, हमने मतलब सुबह ही बना दी थी उनके लिए। वो घूम के आते हैं ना तो भूख लगी हुई होती है, तो उनके लिए तो अर्ली मॉर्निंग जैसे 7-7:30 के करीब बना दी थी। और हमने किया था नाश्ता लेट, बहुत सारा काम करके और फिर नाश्ता किया था, तो बिल्कुल भी फिर बनाने का मन नहीं था। फिर ये दोनों बेटियाँ बोली मम्मी कुछ मंगा लो ना बाहर का, फिर मैंने कहा चलो ले आओ कोई बात नहीं भाई, बच्चे काम करते हैं तो उनका मनपसंद खाना उनको मिल जाए तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। तो वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट करके। बाय।